हेलो एंड वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शंस दिल्ली, झांसी, मेरठ या बरेली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं 29 मार्च 1857, यह कब हुआ था, यहाँ पर हुआ था बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था, और किसने किया था, मंगल पांडे। चर्बी वाली कारतूसों को लेकर। उसके बाद ये क्रांति वहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँची, मेरठ, 10 मई। तो जो इसकी मेन शुरुआत मानी जाती है 10 मई को कहाँ से, मेरठ से। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में कौन यूरोपीय व्यापारी आया था, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, डेनिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था, तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली, और 1498 में कौन आया था, वास्को डिगामा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब पहुँचा था, तो 1498। अगला क्वेश्चन, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या कुंवर सिंह। तो यहाँ पर देखते हैं, बहादुर शाह जफर ये कहाँ पे थे, ये दिल्ली में थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, कुंवर सिंह कहाँ थे, जगदीशपुर बिहार। तो तात्या टोपे कहाँ पे हो जाएंगे, कानपुर में, और इनके साथ में कौन थे, नाना साहब। तात्या टोपे के साथ में कौन थे कानपुर में, नाना साहब, सारे याद रखने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तात्या टोपे। क्वेश्चन पूछा जाता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम इनका क्या था, आत्माराम पांडुरंग। एक मिनट, इसको पहले हटा देता हूँ मैं। इनका वास्तविक नाम क्या था, आत्माराम पांडुरंग, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, और ये कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे, इनके साथ में कौन थे, नाना साहब। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किस शहर में किया था, बरेली, कानपुर, जगदीशपुर, लखनऊ। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 82, 72, 92 या 54। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि थे, 72। अगला क्वेश्चन, बंगाल के राष्ट्रवाद को बढ़ता देख किसने बंगाल के विभाजन को घोषित किया था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन को किसने घोषित किया था, यानी बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, और कब किया था, 1905 में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी नेता थे वो कहाँ पर थे, बंगाल में। तो उन्हें तो सोचा कि बंगाल में फूट डाल दो, ये डिवाइड हो जाएंगे आपस में, ठीक है, तो ये किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कार्नवालिस। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे ये पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर गवर्न एक मिनट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। अगर ये पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम वायसराय, पहले वायसराय कौन थे, तो ये कौन हो जाएंगे, कैनिंग। तीनों याद रखने आप लोगों को, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, किसे भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है, ऑप्शंस क्या है,
वारन हेस्टिंग, लॉर्ड जानसोर, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेज शासन का जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1887 में इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी, बदरुद्दीन तैयब, मदन मोहन मालवीय। तो इंग्लैंड में भारत सुधार समिति यानी इंडिया रिफॉर्म कमेटी, तो इसकी स्थापना इंग्लैंड में किसने की थी, ये की थी दादा भाई नेहरूजी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है, उदारवादी नेता नहीं है यानी कि उग्रवादी नेता है, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय, गोविंद रानाडे या मदन मोहन मालवीय, दो ऑप्शन रिपीट हो गए हैं। तो यहाँ पर उदारवादी नेता नहीं यानी उग्रवादी कौन थे, अरविंद घोष, लेकिन बाद में इन्होंने क्या संन्यास ले लिया था, सन्यासी बन गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा भारतीय क्रांतिकारी था जो बाद में सन्यासी बन गया था, तो थे अरविंद घोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया था, ऑप्शंस क्या है, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन या सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाया गया था इंडिया में, किसने हटाया था, सर चार्ल्स मेटकॉफ, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था, 1844, 1856, 1858, 1862। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, 1856, और किसके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड एल्गिन। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली, सर ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो। तो किसके शासनकाल में जो इंडियन स्टूडेंट थे उनको भारत जाकर डॉक्टर पढ़ने की जो अनुमति मिली, ये मिली थी सर ऑकलैंड के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई, ऑप्शंस क्या है, 1871, 1872, 1873 या 1874। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1872, और इस टाइम कौन थे गवर्नर, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर ये पूछा जाए कि दशकीय जनगणना कब से शुरू हुई, तो 1882 दशकीय जनगणना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहन मालवीय, अरविंद घोष, दादा भाई नेहरूजी। तो महात्मा गांधी के जो राजनीति गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1912, 1913, 1914, 1915। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे भारत, 1915। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मेयो, द लॉर्ड नेपियर, लॉर्ड लिटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता के समय 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जो विश्वविद्यालय अधिनियम अपने यहाँ आया था ये कब पास हुआ था, 1904 में, और 1904 में अपने यहाँ कौन था, लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल विभाजन किया था, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रानाडे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नेहरूजी। सबसे पहले जो राष्ट्र पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ये किसने कैलकुलेट किया था, दादा भाई नेहरूजी ने। इन्हों को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ,
15 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1906, 15 अक्टूबर 1921। तो कभी कभी डेट देके पूछ लेता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1905। और इसकी घोषणा कब हुई थी, जुलाई 1905। घोषणा हुई थी जुलाई 1905, और ये लागू कब से हो गया था, 15 अक्टूबर 1905। अगला क्वेश्चन, भारत में कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डफरिन, सर जॉन मैकफर्सन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम, महात्मा गांधी, गोविंद रानाडे या दादा भाई नेहरू जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, एओ ह्यूम। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ से बिलोंग था, किस कंट्री से था, तो ये स्कॉटलैंड का था, इंग्लैंड नहीं लगाना है, ये स्कॉटलैंड का था, एओ ह्यूम। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी अग्रगामी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था, अग्रगामी संस्था किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। अग्रगामी संस्था क्या हो जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन एसोसिएशन। स्थापना किसने की थी, एओ ह्यूम ने, और ये कहाँ का था, स्कॉटलैंड का। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ पहला भारतीय कौन था, अबुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी। यानी जो ब्रिटिश संसद थी उसमें सबसे पहले कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था, तो कौन हुए थे, दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, रहमतुल्ला साइनी, दादा भाई नेहरू जी, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, और ये कहाँ हुआ था, मद्रास में 1887। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1903, 1904, 1905, 1906। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906, आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय या गोविंद रानाडे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की गई थी, औरंगजेब से। ये किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। लॉर्ड कर्जन को सबसे क्या क्रूर माना गया था, जो जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा खराब किसे माना गया था, लॉर्ड कर्जन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1906, 1907, 1911, 1912। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विभाजन कब हुआ था, 1907 में, और ये कौन सा अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, रहमतुल्ला साइनी, दादा भाई नेहरू जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने किया था, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन शायद, रास बिहारी बोस करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, USA के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, बहादुर शाह जफर, लाला हरदयाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, कब की गई थी, 1913। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भाखना। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अमीर अली, हसन अली, आगा खां, रहमतुल्ला साइनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, कब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, 1905, 1906, 1909, 1912। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1912। और घोषणा कब हुई थी इसकी, 1911, जब भारत में कौन आए थे, जॉर्ज फिफ्थ आए थे, इन्होंने घोषणा की थी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी, और बनाई कब गई थी, 1912 में। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, ऑप्शंस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड क्लाइव। तो जब जॉर्ज पंचम आए थे उस टाइम अपने यहाँ जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग, तो इन्होंने इसको स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन,
होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1908, 1916, 1918, 1914। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होम रूल लीग की स्थापना 1916। और किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी गई है गीता रहस्य। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तात्या टोपे, राजबिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया? लाला बाल गंगाधर तिलक को, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था, एक मिनट फिर से लिख दे रहा हूँ। वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग ने कब बंगाल का विभाजन रद्द किया? 1908, 1911, 1914, 1916। तो जब अपने हजार पंचम आए थे तो कब आए थे? अभी मैंने बताया 1911 में, तो तभी बंगाल विभाजन क्या किया गया था? रद्द किया गया था, यानी 1911। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, बिपिन चंद्रपाल, रास बिहारी बोस। तो गणपति उत्सव जो महाराष्ट्र में आरंभ किया गया, किसने शुरू किया था? ये भी बाल गंगाधर तिलक ने। ये किस लिए किया गया था? ताकि लोग एक साथ जुड़े रहें और संगठित रहें। और इसके साथ पूछा जाता है शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये भी किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और गणपत उत्सव कब शुरू हुआ था? 1893 सन भी पूछता है, और शिवाजी महोत्सव 1895। दोनों ये याद रखने हैं, पहले गणपत महोत्सव फिर शिवाजी महोत्सव। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर, गणपत उत्सव, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र पाकिस्तान बनाने की मांग कब की गई थी? 1937, 1939, 1940, 1943। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940। और सबसे पहले पाकिस्तान शब्द की मांग किसने की थी? रहमत अली चौधरी, रहमत अली चौधरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाकिस्तान शब्द की मांग सबसे पहले किसने की थी? रहमत अली चौधरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष, प्रतिभा राय, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? 1917। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला, भारतीय महिला, यहाँ पर केवल महिला पूछा गया है, अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। और कब बनेंगी? 1925। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से की थी? चंपारण, मेरठ, अहमदाबाद, जबलपुर। तो सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर अपनाया था गांधी जी ने? चंपारण। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताया था? 20, 21, 22 या 23। तो गए कब के, कब थे? 1893। और आए कब थे? 1915। तो 1915 जनवरी में आ गए थे। तो यहाँ से हम लोग कितना काउंट करते हैं? 1893 से 1914, यानी कि 4 से 3 जाएगा 1 और यहाँ 11 से 9 जाएगा 2, 21 ईयर, ठीक है? क्योंकि 1915 में वापस आ गए थे जनवरी में ही, इसलिए 1914 तक माना जाता है, 21 साल। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? 1940, 1941, 1942, 1944। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मिंटो। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। और 1919 में अपने वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी टाइम कौन सा एक
एक्ट आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड एक्ट, ये पूछा जाता है, तो कब आया था, 1919 में। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, 1928, 1938, 1921, 1916। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, 1928। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1927, गठन 1927, भारत का पहुंचा 1928। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, कोलकाता, सूरत, दिल्ली, चंपारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री डाली थी, कहां डाली थी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है, वीरसेन, हर्षवर्धन, बाल गंगाधर तिलक या प्रेमचंद। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम पचीसी के रचयिता प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1691, 1799, 1699 या 1705। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1699। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, 1699। किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया, और ये दसवें गुरु थे सिखों के। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे माना जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय, या आधुनिक भारत के पिता। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, दादाभाई नौरोजी। तो क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, कौन हो जाएंगे, दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई, 1804, 1814, 1846, 1857। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी, 1814, और किया किसने था, राजा राम मोहन राय। और इन्होंने ही 1828 में किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय, जहांगीर, अशोक, बहादुर शाह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने, क्योंकि इन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन की बहाली के लिए, कि उनको पेंशन दोबारा दी जाए, तो इन्होंने उनकी राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो अभी मैंने बताया ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में, किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। और इसमें प्रथम विभाजन कब हुआ, 1829, 1837, 1857, 1867। तो इसमें विभाजन हुआ था 1867 में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। अगला क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि किसे मिली थी, केशव चंद्र, महात्मा गांधी, चितरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देश बंधु की उपाधि मिली थी चितरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, जॉन एडम्स या लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे या रामप्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा हुई थी, भगत सिंह, और ये कब हुई थी, 1928। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, आलार कलाम, विरजानंद, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो दयानंद सरस्वती थे इनके गुरु का नाम क्या था, विरजानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, 1922, 1938, 1940, 1947। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था पाकिस्तान कब मांग हुई थी, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा था, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरि किशन या गुरु अर्जन देव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जफरनामा किसने लिखा था, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा किस मुगल शासक के लिए लिखा था, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जफरनामा किसके लिए, औरंगजेब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफरनामा का अर्थ क्या होता है, शांति प्रस्ताव, विजय पत्र, शोक पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जफरनामा का अर्थ क्या होता है, विजय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखा था, फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरबी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जफरनामा किस भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या गोपाल कृष्ण गोखले? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। और कब की थी? 1897। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वेदांत सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। कब की थी? 1894। और यह है कहाँ, ये भी बहुत बार पूछा गया है, न्यूयॉर्क। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1894 में और न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, राजकुमार शुक्ल, अरविंद घोष, आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण का किसान आंदोलन कब हुआ था? 1912, 1915, 1917, 1931। तो चंपारण का आंदोलन कब हुआ था, अभी पीछे बता चुका हूँ, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मंगल पांडे। तो शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। अगला क्वेश्चन, हंग्री स्टोन्स यानी क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयशंकर प्रसाद। तो हंग्री स्टोन्स इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मुख्तार अहमद अंसारी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें अधिकारों की मांग की गई थी, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनकी मांग की गई थी। कब? 1931 के कराची अधिवेशन में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह में अछूता रहा, मतलब वहाँ पर 1857 के क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास या उड़ीसा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास। क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी ये केवल उत्तर भारत में सीमित रही, ठीक है, दक्षिण तक नहीं पहुँच पाई थी। इसके असफलता का एक कारण ये भी रहा कि ये पूरे भारत में फैली ही नहीं थी। तो मद्रास क्या था, साउथ में था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1889, 1887, 1886, 1885। तो इसकी स्थापना कब हुई 1885 में, तो पहला अधिवेशन भी कब होगा, 1885। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। यहाँ पर यह गलत लिखा है, 1886 गलत लिखा है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है। अगला क्वेश्चन, देशबंधु की उपाधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? कोलकाता, लाहौर, नागपुर, लखनऊ। तो जो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था, लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। और ये किस लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया था, अध्यक्ष कौन थे, जेएल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष दिया था? 1923, 1942, 1939 या 1943? तो दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से कब दिया गया था, 1943, जब आज़ाद हिंद फौज की कमांड संभाली थी इन्होंने, आज़ाद हिंद फौज की कमान। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता किस लिए हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड के मुख्य नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, बाबू कुंवर सिंह, सुखदेव या भगत सिंह? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काकोरी कांड के मुख्य नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1921, 1925, 1933, 1945? तो ये कब हुआ था, 1925, 8 अगस्त 1925। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? दादा भाई नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी बोस या अबुल कलाम आज़ाद? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, 1939 से 45, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, चुनाव ही नहीं हुआ था अध्यक्ष का। अगला क्वेश्चन,
महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1947। तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, रमेश चंद्र दत्त। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। और 1919-1920 में कौन थे अपने यहाँ वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा के रचनाकार कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या इकबाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। एक मिनट, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, कोलकाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो, जो कि कहाँ है? अमेरिका, USA। और कब हुआ था? 1893, यहीं से इनको प्रसिद्धि मिली थी। अगला क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1943, 1865, 1872, 1843। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1843, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और दास प्रथा किसने समाप्त किया था? एलन मरो, लॉर्ड एलन मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? हंटर आयोग, रॉलेट एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काला कानून किसे कहा था? रॉलेट एक्ट को। ये कब आया था? 1919 में। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बिना अपील और बिना दलील का कानून था, मतलब किसी से कोई पूछताछ नहीं, सीधे जो भी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इसको क्या कहा था? काला कानून। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय उतरे थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917, 1933, 1923, 1913। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और किसने किया था? सी आर दास और एम एल नेहरू। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार। और कब बने थे? 1924, बेलगाम कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी के समय कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला, राधाकृष्ण मालवीय, महात्मा गांधी, रामेश्वरी, नेहरू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, हरिपुर, अहमदाबाद। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया था? 1939, 1942, 1946, 1947। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1939, क्योंकि कांग्रेस से सभी लोगों ने क्या किया था? इस्तीफा दिया था, कांग्रेस से इस्तीफा। तो इसने, मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, मुस्लिम लीग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूतों में एक कील सिद्ध होगी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय, जब इन पर लाठीचार्ज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द फ्री इंडियन लीजन, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है?
महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बुक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया, नासिक, कोलकाता, चंपारण, मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और किसने बनाया था ये, वी डी सावरकर। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी लोग वीडियो की तैयारी करने वाले हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पे वीडियो का प्रॉपर क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, हिंदी, GS और रीजनिंग की, टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस के साथ। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।